उत्तराखंड में जून 2013 में जो आपदा आई थी वो माँ धारी देवी के क्रोध से ही आई थी। उस दिन 16 जून 2013 था, माँ धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से एक बिजली कंपनी के द्वारा हटाकर कहीं और रख दिया गया था। 16 जून 2013 को शाम को 5:30 बजे ये किया गया। उसके आधे घंटे बाद ही केदारनाथ में आपदा आ गई थी। तो वापस उस बिजली कंपनी के द्वारा माँ धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान पर रखा गया। उत्तराखंड की उस भयंकर आपदा में माँ धारी देवी का मंदिर भी ध्वस्त हो गया था। और उसके बाद उसी बिजली कंपनी ने माँ धारी देवी का ये दूसरा नया मंदिर बनवाया है। जब तक माँ धारी देवी का दूसरा नया मंदिर नहीं बना, तब तक माँ धारी देवी वो जो टीन का जो मंदिर दिख रहा है, तब तक वहाँ पर उनकी पूजा की गई थी। जय माँ धारी देवी। हिमानी बिस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। माँ धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी पर है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में सबसे लंबी नदी है। ये नदी बद्रीनाथ से होकर देवप्रयाग तक, देवप्रयाग में ये नदी भागीरथी से मिलकर गंगा नदी बन जाती है। इतनी लंबी ये नदी है, सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की। अलकनंदा नदी पर माँ धारी देवी का मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, माँ धारी देवी को उत्तराखंड के चार धामों की संरक्षक माना जाता है। उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा माँ धारी देवी के मंदिर में उनके दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा से पहले या फिर यात्रा के बाद माँ धारी देवी के दर्शन करना बहुत जरूरी है, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। अभी मैं भी बद्रीनाथ से श्री बद्री विशाल के दर्शन करके, चार प्रयागों में दर्शन करके माँ धारी देवी के दर्शन के लिए आई हूँ। शाम को माँ धारी देवी का मंदिर काफ़ी सुंदर लगता है अलकनंदा नदी के ऊपर। ये देखिए मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है माँ धारी देवी का। ये हैं उत्तराखंड के चार धाम, जिनको छोटे चार धाम भी बोला जाता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और इन सब के बीच में है माँ धारी देवी, जिनको चार धामों की संरक्षण देवी बोला जाता है। ये जो आप नदी के किनारे वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं और आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बोलिए जय माँ धारी देवी।